घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीमेंट, और सीमेंट की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा घर भी बहुत शानदार बनेगा। तो सीमेंट की क्वालिटी किस तरह से पता करें कि वो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, उसके लिए मैं आपको आसान से ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सीमेंट की क्वालिटी जो हमें रिसीव हुई है वो अच्छी है या नहीं, या फिर जो हमने मटेरियल खरीदा है वो प्योर है या नहीं, या पुराना तो नहीं हो गया है, मटेरियल ख़राब तो नहीं हो गया है, सीमेंट ऑलरेडी ख़राब है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। क्योंकि पानी लगने से सीमेंट ख़राब भी हो जाता है, पुराना होने से सीमेंट ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा पुराना होने पर सीमेंट की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। तो हमें किस तरह से पता करना है कि सीमेंट की क्वालिटी बेस्ट है, उसके लिए आज हम 5 ट्रिक के बारे में जानेंगे, आसान सी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है जतिन खत्री, आप सबका स्वागत है ईशान डिज़ाइंस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सीमेंट की क्वालिटी हमें किस तरह से पता चलेगी। तो सीमेंट की क्वालिटी पता करने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखना, यानी कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी डेट हम देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पता करके हम ये पता कर सकते हैं कि कितना पुराना सीमेंट है या कितना नया सीमेंट है। अगर लेटेस्ट सीमेंट होगा तो हमें उसकी क्वालिटी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि नया फ्रेश बैग हमारे पास आता है तो वो उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट मानी जाएगी। तो सबसे आसान तरीका हुआ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखना सीमेंट के बैग के ऊपर। ये आप परचेजिंग से पहले भी कर सकते हैं, यानी कि जो डीलर होता है डीलर की दुकान पे जाके आप बैग के ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख के ये चीज़ परचेज कर सकते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी सीमेंट की अच्छी है या नहीं। अब इसका दूसरा जो तरीका है सीमेंट की क्वालिटी पता करने का वो है सीमेंट का कलर। सीमेंट तो आप ले आए, अब सीमेंट जैसा बैग जैसे ही आपने खोला तो उसके अंदर सीमेंट का कलर देख के आप पता कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सीमेंट का एक स्टैंडर्ड कलर होता है जो कि ग्रे कलर होता है, और उसमें हल्का सा हरा रंग का शेड होता है, यानी कि ग्रे के अंदर ग्रीनिश शेड होता है। जैसे ही आप उसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो हल्का वो ग्रीन कलर देगा, तो वो ग्रीन कलर आपको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। तो ग्रे और ग्रीन का शेड दोनों मिक्स में आएगा, तो अगर उस तरह से सीमेंट का कलर यही रहता है तो वो सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब तीसरा तरीका भी सीमेंट के बैग को खोल के हमें पता चलेगा। सीमेंट का बैग अब जब खोलते हैं तो उसके अंदर पाउडर बना होता है, सीमेंट पाउडर फॉर्म में ही आता है। तो अगर सीमेंट पाउडर फॉर्म में आ रहा है, अगर हम उसको खोलेंगे उसके अंदर अगर छोटे छोटे ऐसे पत्थर के जैसे दाने बने होंगे, यानी कि बड़े बड़े ऐसे फॉर्म में गड़े बने होते हैं, तो वो सीमेंट ख़राब हो चुका है, यानी कि उसके अंदर पानी लग चुका है, उसकी क्वालिटी के अंदर अब रिड्यूस हो चुकी है। तो वहाँ आप ध्यान रखें वो सीमेंट छत की ढलाई वगैरह में काम में ना लें, उस सीमेंट को आप फ्लोरिंग के अंदर काम में ले सकते हैं अगर वो सीमेंट आ गया है तो। लेकिन अगर नहीं आया तो उस सीमेंट को अवॉइड करें, वो सीमेंट की क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रेशन की प्रोसेस चालू हो गई जिसकी वजह से वो बड़े बड़े बॉल्स बनने चालू हो गए हैं, इसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब जो चौथा तरीका है उसमें आपको सीमेंट को अपने हाथ में लेके टेस्ट करना होगा। सीमेंट अगर आप ऐसा समझें कि सीमेंट का बैग आपने खोला, उसमें से एक चिपटी भर आपने एक सीमेंट लिया, उसको इस तरह से रगड़ें, इस तरह से रगड़ेंगे तो आपको एक चिकना चिकना फॉर्म दिखेगा, यानी कि पाउडर जिस तरह से चिकना होता है उस तरह से आपको एक फील होगा। अगर वो चिकना फील हो रहा है तो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। अगर उसके अंदर आपको रेती के दाने जैसे गड़े टाइप दिखते हैं, तो रेती का दाना जैसे ही लगता है आपको तो वो सीमेंट ख़राब हो चुका है, उस सीमेंट को फेंक दे, अपनी छत ढलाई के टाइम पे काम में ना ले। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट और चौथा पॉइंट, जैसे ही पाउडर फॉर्म अगर आपको नहीं लगता है तो सीमेंट को ज़रूर फेंके। ये सबसे आसान तरीका है सीमेंट की क्वालिटी को टेस्ट करने का। अब जो पाँचवा तरीका है थोड़ा टिपिकल है, लेकिन हो सकता है आपको समझ में आए या नहीं आए, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा या आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा। आप अपने कारीगर को बोल सकते हैं ये पांचवा तरीका काम में ले। सीमेंट का जो बैग है उसके अंदर या तो आप एक तगारी के अंदर सीमेंट ले लें, या फिर एक पूरे के पूरे बड़े से दान में एक सीमेंट ले लें, सीमेंट लेके उसके अंदर हाथ डालें, यानी कि अगर आप अपना हाथ डालोगे उसके अंदर तो एक ठंडा सेंसेशन आएगा, यानी ऐसा समझे कि बर्फ़ को लगाने पर ठंडा सेंसेशन आता है, या फिर ऐसा समझो ठंडी ग्लास को पकड़ते तो हमें हल्का सा ठंडक महसूस होती है। तो सीमेंट के अंदर जैसे ही आप हाथ डालोगे तो आपको ठंडक महसूस होगी, तो अगर आपको ठंडक महसूस होती है तो वो सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है। और अगर आपको हीट या फिर थोड़ी हल्की सी गर्मी लगती है कि अंदर हाथ डालने से आपको हल्का गर्म फील हो रहा है, तो वो सीमेंट का हाइड्रेशन का प्रोसेस चालू हो गया, यानी कि वो सीमेंट ख़राब होना शुरू हो गया है। ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं आपको सलाह दूंगा कि सिर्फ कारीगर से ही ये काम करवाएं, ताकि उनको समझ में आए कि वो रेगुलर किस तरह से काम में लेते हैं। ये खुद आप भी खुद कर सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट आपको सिर्फ कारीगर ही दे पाएगा। अब जो छठा पॉइंट है वो बहुत आसान है,
आप खुद कर सकते हैं या फिर आप किसी बच्चे के थ्रू भी ये करवा सकते हैं तो भी उनको समझ में आ जाएगा। सीमेंट का जो पाउडर है उस पाउडर को एक चम्मच लें और जो पानी का मग्गा होता है उसके ऊपर ऐसे डाल दें। अगर पानी में टच करते ही सीमेंट डूब जाता है तो वो सीमेंट खराब हो चुका है, यानी कि उसमें सीमेंट के अंदर हाइड्रेशन की प्रोसेस चालू हो गई है, उसकी वजह से उसके अंदर दाने बनने चालू हो गए और वो भारियों के नीचे गिर रहा है। तो वो सीमेंट पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होगा और आपकी छत के अंदर वो बड़े बड़े बबल छोड़ देगा, यानी कि गड्ढे छोड़ देगा, जिसकी वजह से छत कमज़ोर पड़ती है। और अगर पानी के ऊपर डालने से वो सीमेंट एक दो सेकंड के लिए तैरता है और तैरने के बाद डूबता है तो वो सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो सिर्फ तैरेगा कितने, 2 या 3 सेकंड के लिए ही तैरेगा और फिर सरफेस में डूबेगा। एक बार डालने के तुरंत बाद अगर वो गिर जाता है तो वो सीमेंट ख़राब है, और 2-3 सेकंड रुकने के बाद गिरता है तो सीमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी कि पाउडर पानी के ऊपर तैरेगा तो सीमेंट की क्वालिटी हमें बहुत अच्छी लगेगी। ये तो बात हुई आसान से तरीकों के बारे में। अब एक सातवां तरीका और है जिसके अंदर आपको करना ये है कि सीमेंट तो आपने ले लिया, अब जब सीमेंट का आप जब मिक्सर बनाए, यानी कि छत ढलाई के लिए जो आप मिक्सर बनाते हैं या कॉलम भरने के लिए, डीपीसी भरने के लिए जो मिक्स बनाते हैं, एक मोर्टार जो बनता है या उसका ऐसा समझो मसाला जो बनता है सीमेंट का, उस सीमेंट के मसाले का एक पूरा ब्लॉक ले लें, यानी कि एक तगारी पूरा सीमेंट लें, उसको एक सांचे के अंदर ढाल दें, यानी डब्बा बनाएं, यानी कि उसका एक स्क्वायर बना दें, क्यूब बना दें, क्यूब को लेके उसके अंदर जमा कर दें। उस क्यूब को जमा करके आप सीमेंट कंपनी वालों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस क्यूब की टेस्टिंग करें, यानी कि अब जो डब्बा बनाया आपने उस वो जब सूख जाता है उस सूखा हुआ डब्बा आपको उनको देना है, वो उस क्यूब की टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि सीमेंट की स्ट्रेंथ टोटल कितनी आ रही है, तब आपको सीधे से पता चल जाएगा कि ये सीमेंट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। यानी ये आप टेस्टिंग आप खुद कर सकते हैं या सीमेंट कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हैं कि आपके साइट पे आए, जब काम चल रहा हो तब वो मोर्टार का सैंपल ले, सैंपल लेके वो कंपनी में भेजे और जो स्ट्रेंथ वो लोग कह रहे हैं उस सीमेंट की स्ट्रेंथ आपको वैसी मिल रही है या नहीं, इसकी टेस्टिंग वो लैब में करवा के दे। तो लैब टेस्टिंग के जब रिजल्ट आए तब आपको पता चलेगा कि आपकी छत प्रॉपर है या नहीं। इससे आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि कंपनी जो आपको माल प्रोवाइड करवा रही है वो बेस्ट है या नहीं। इसमें कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव खुद काम करेगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके अलावा क्वालिटी के मामले में मैं आपको बोलूँगा कि सीमेंट जब भी यूज़ करें तो पानी का मिक्सिंग अच्छे से करें, उसके लिए मीठा पानी काम में लें, और जो मिक्सिंग जो होती है सीमेंट की वो प्रॉपर होगी तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन सीमेंट की क्वालिटी किस तरह से पता करनी है, आज हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। और भी आगे बहुत सारे सीमेंट से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे और घर की मजबूती के लिए मैं आपको बहुत सारी टिप्स देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दूसरे वीडियो ज़रूर चेक करें।